नमस्कार, वेलकम टू मीनाक्षीज किचन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज मैं शेयर करूंगी गाजर गोभी और शलगम के खट्टे मीठे अचार की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम शलगम, 250 ग्राम गोभी और 250 ग्राम गाजर। इन्हें मैंने काट के अच्छे से धो के एक दिन अच्छे से सुखा लिया है ताकि इसमें कोई मॉइस्चर ना रहे। अगर हम इसको अच्छे से सुखाएंगे तो अचार हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जो सामग्री हम लेंगे, एक कप तेल लेंगे, ये मैंने सरसों का तेल लिया है, दो बड़े चम्मच सिरका लेंगे, आधा कप गुड़ लेंगे, इसे मैंने क्रश कर लिया है, दो चम्मच अदरक, दो चम्मच लहसुन की पेस्ट, एक हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से काट लिया है, नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच काला नमक लेंगे, एक बड़ा चम्मच राई पिसी हुई, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला। तो हम अचार को बनाना शुरू करते हैं। अचार को बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल लेंगे, गैस को तेज आंच पे करेंगे। जब सरसों के तेल में से धुआं निकलने लगे तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम गुड़ में सिरका मिलाकर इसको रख देंगे ताकि गुड़ पिघल जाए। तो सरसों के तेल में से धुआं निकलना शुरू हो गया है, हम गैस को बंद कर देंगे। हल्का ठंडा होने पर इसे हम फिर से जलाएंगे गैस को, और इसमें हम अदरक और लहसुन की पेस्ट मिला देंगे और हरी मिर्च भी मिला देंगे। गैस को लो टू मीडियम हीट पर रखेंगे और इनको हल्का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। हल्का कलर चेंज होने पर इसमें हम गुड़ और सिरका मिला देंगे। तो इनका कलर चेंज हो गया है हल्का और ये अच्छे से भुन गए हैं। इसमें हम गुड़ और सिरका मिला देंगे और गुड़ को पिघलने तक हम इसमें पकाएंगे। गैस को लो करके इसमें अब हम सारे मसाले डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। एक मिनट तक पकाने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। और इसमें हम सब्जियां मिला देंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हल्का ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ही इसे हम जार में डालेंगे, गरम गरम नहीं डालेंगे। तो अचार हमारा ठंडा हो गया है, इसे हम कांच की एक बॉटल में भर लेंगे। तो मैंने ये भर के तैयार कर लिया है। तो तैयार है हमारा गाजर गोभी और शलगम का खट्टा मीठा अचार। इस बॉटल को हम 10 से 12 दिन के लिए धूप में रखेंगे, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।